गर्मी ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। पटना समेत राज्य के 23 शहर लू की चपेट में है। वहीं बिहार की राजधानी पटना देश की सबसे गर्म शहर बना हुआ है और पटना मुजफ्फरपुर को छोड़कर पूरे बिहार में पारा 40-45 के पार पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के थपेड़े की वजह से प्रदेश में तापमान बढ़ा हुआ है। कई स्थानों पर उष्ण लहर व लू की स्थिति बनी हुई है और पटना का अधिकतम तापमान शनिवार को करीब 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रदेश में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है और अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिक संख्या जिलों में लू का कहर जारी रहेगा। बात करें अगर मौसम विभाग की तो मौसम विज्ञान केंद्र से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जून के पहले सप्ताह में पटना सबसे गर्म रहा, यहां तक कि अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। 2020 में 11 जून को पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस थी, 2021 में 8 जून को 40 डिग्री सेल्सियस थी और 2022 में 15 को 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिवार की सुबह से ही पटना और इसके आसपास के इलाकों में गर्म हवा का प्रभाव बन रहा है और लोगों को दिन भर परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा उत्तर बिहार की बिहार से छत्तीसगढ़ की ओर गुजर रही है और इसके प्रभाव से प्रदेश अलग अलग हिस्सों में 7 जून तक लू और अधिक गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स की पोस्ट लाइव।